एक बड़ी खबर सामने आई है उस दंपत्ति को लेकर जिसने दरियागंज इलाके में पुलिस कर्मियों से बदसुलूकी की थी। मामला दरअसल दरियागंज इलाके यानी कि सेंट्रल दिल्ली के दिल्ली गेट का था। वहां पर इस दंपत्ति को रोका गया और इसके बाद इसने बदसुलूकी की सारे हदें पार कर दी। राजधानी दिल्ली के दिल्ली गेट इलाके में करीब शाम 4:30 बजे को जांच के लिए रोका तो महिला एकदम बदसुलूकी करने लगी। वीडियो वायरल हुआ तो मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस इन दोनों को थाने ले गई। इन दोनों को पूरी रात थाने में रखा गया और फिर सोमवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए इन दोनों को जेल भेज दिया है और बेल देने से इनकार कर दिया है। सेंट्रल दिल्ली के DCP जसमीत सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दंपत्ति ने ना तो मास्क पहना हुआ था और ना ही वो बाकी नियमों का पालन कर रहे थे। बावजूद इसके उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। इस पूरे मामले में सेक्शन 188, 186 और साथ ही साथ 353, 269 और 34 जो कि सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड है के तहत इन दोनों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा मुकदमा जो बनता है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उस रूल को तोड़ने के लिए भी इन पर मुकदमा दायर किया गया है। दोनों ही अक्यूज्ड जिनका नाम पंकज और आभा है पटेल नगर के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि इस लड़की को जिसका नाम आभा बताया जा रहा है उसने अपना नाम पुलिस को गलत बताया है। लड़की का असली नाम उर्वशी यादव है। उर्वशी यादव का एक फेसबुक पेज भी है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि इस लड़की ने दूसरा झूठ ये कहा है कि ये लड़की पढ़ी लिखी है। अगर ये लड़की मेंस क्लियर कर चुकी होती तो इसको जरूर पता होता कि डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट के चलते कोई भी कानून तोड़ना बहुत बड़ा अपराध होता है, कि ये लड़की पुलिस वाले की बेटी है। दरअसल इस लड़की ने ना तो खुद मास्क पहना और ना ही अपने पति को पहनने दिया, जैसा कि इसके पति का खुद ये कहना है कि उसने मास्क पहनने से इसे हतोत्साहित किया। बलिस्कृत्य के बाद घोर बेइज्जती हुई है इस कपल की, क्योंकि पूरी रात इन्हें पहले तो थाने में बिठाकर रखा गया, फिर अकल ठिकाने आने के बाद इन दोनों ने मास्क भी पहने और साथ ही साथ जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया वीडियो देखने के बाद कि ये बेल देने लायक नहीं है, इन्हें जेल भेजा जाए। जो लड़की कल सरेआम पुलिस को भिखमंगा कह रही थी वो आज जेल में चक्की पीस रही है और साथ में उनके पतिदेव भी उनकी मदद कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।